हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि जो फैट होता है उसका हमारी बॉडी में कहाँ पर डाइजेशन होता है और कैसे डाइजेशन होता है। तो अगर बात की जाए कि फैट का डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो फैट का डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जानते हैं कि पहले हमारा जो स्टमक है वो आता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का नंबर आता है। तो जो फैट है उसका डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कैसे होता है? तो जो लीवर होता है वो बाइल सिक्रीट करता है, जूसेस जो होते हैं बाइल सिक्रीट करता है, और वो बाइल्स जो होते हैं वो जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल हैं उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल में चेंज कर देता है, छोटे ग्लोब्यूल में चेंज कर देता है। इस तरह से फैट का डाइजेशन होता है। और जो ये बाइल होते हैं इनका एक इफेक्ट ये भी होता है कि वो मीडियम को एल्कलाइन बना देते हैं, और जब मीडियम को एल्कलाइन बना देते हैं तो जो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन है, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो, जिसको लाइपेज कहते हैं, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज होता है वो क्या करता है, वो इस डाइजेस्टेड फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। तो जो लीवर से बाइल सिक्रीट हुआ उसने जो फैट के बड़े ग्लोब्यूल को छोटे ग्लोब्यूल में चेंज किया, फिर इन छोटे ग्लोब्यूल को फैटी एसिड में चेंज करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम जो लाइपेज होता है। तो इस तरह से फैट का डाइजेशन एक होता है। बात और आपको और यहाँ पर याद दिला दें कि बाइल के इफेक्ट से जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल होते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल में चेंज हो जाते हैं, तो ये लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉलर ग्लोब्यूल में इस चेंज होने को कहा जाता है इमल्सीफिकेशन। EMULSIFICATION, इमल्सीफिकेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।